रागवी थाने से मंगलवार बुधवार को दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया था। मामले की जानकारी लगने के बाद एसपी ने ड्यूटी पर तैनात प्रधान व आरक्षक को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही थाने पर ड्यूटी तैनात नगर सैनिकों को वापस भेज दिया गया है। झारड़ा के समीप डग निवासी गोवर्धन पिता शंकर 23 वर्ष पर रागवी थाना अंतर्गत आने वाले गाँव खेड़ा दासोन निवासी किशोरी को अपहरण कर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसके चलते गोवर्धन को पुलिस ने 10 नवम्बर को धरद पहुंचा था। बुधवार को आरोपी को गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया जाना था, लेकिन इसके पूर्व ही वह मंगलवार बुधवार रात को थाने के लॉकअप से भाग निकला। मामले में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक गोकुल सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही होमगार्ड जवान देवी सिंह और पन्ना लाल को लाइन भेज दिया गया है। कल रात को सूचना मिली थी कि थाना रागवी के अपराध 363-366 के गिरफ्तार शुदा आरोपी, जो कि पुलिस रिमांड पे एक दिन के थे, और रात में उनके द्वारा हथकड़ी से अपना हाथ निकाल करके पुलिस को चकमा दे करके रात में थाने से फरार हो गए। प्रथम दृष्टया ये वहाँ पर जो उपलब्ध पुलिसकर्मी थे, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उनको तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित किया गया है और फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न टीमें बना करके उसके संबंधित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सुरक्षा में लगे हुए 2 होमगार्ड सैनिकों को वापस कर दिया गया है और प्रधान आरक्षक गोकुल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।